अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.3 के का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, जिसके अंदर एक्चुअली हम क्या सीखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसमें हम सीखेंगे इसका फैक्टराइजेशन मेथड कि किस तरह से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअली हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ये लर्न करना है। अब क्वेश्चन में हमें 36x² - 60xy + 25y² ये क्वेश्चन दिया गया है। हम देख रहे हैं क्वेश्चन में हमारे पास 1, 2, 3 टर्म्स हैं। जब भी फैक्टराइज का क्वेश्चन हो, हमें 3 टर्म्स दिए जाएं, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या देखना होता है कि क्या हम यहाँ पर कोई फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। 3 टर्म्स फार्मूला हमें मालूम है कौन से होते हैं। 3 टर्म्स फार्मूला a - b² और a + b² ये हमारे 3 टर्म्स फार्मूलाज होते हैं, ठीक है ना, इनको हम ट्राइनोमियल फार्मूलाज कहते हैं। तो अब यहाँ पर इस फार्मूले की एप्लीकेशन करना हमें किस वक्त होगी, कैसे हम देखते हैं कि फार्मूला यहाँ पर ये अप्लाई होना है। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये हमारी अगर स्क्वायर फॉर्म में, तो यानी कि इस पर हम इन फार्मूलाज में से कोई एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब 36x² ये किसका स्क्वायर है, 6x² ठीक है। हमने बता दिया हमारी फर्स्ट टर्म एक्चुअली 6x का होल स्क्वायर है। इसके बाद -60xy, ये हम देखने के लिए हमें मालूम है फॉर्मूले में लिखा हुआ होता है -2 मल्टीप्लाई, मैं तो फॉर्मूला का रेफरेंस देती हूँ, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने में फॉर्मूले का रेफरेंस जरूर देना होगा। हमारा फॉर्मूला होता है a² माइनस जो मिडिल टर्म की साइन होगी, हमने यहाँ पर वो फार्मूला यूज़ करना है। हम लिखेंगे a² - 2ab + b² = a - b². अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर बताया -2 मल्टीप्लाई a हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा होता है, हम जानते हैं हमारी फर्स्ट टर्म होती है, ऐसा हम लिख देंगे 6x मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं सेकेंड टर्म, जो कि सेकेंड टर्म हम क्या देख रहे हैं, 25y² किसका स्क्वायर है, 5y का, लिख देंगे हम 5y² इट मीन्स b = 5y, लिहाजा यहाँ पर सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा 5y। अब ये हमने बताने के बाद अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a - b यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर इसमें हम बताएंगे, तो ये हो जाएगा 6x - 5y² ठीक है। तो इस तरह हमने क्या करा, मालूम कर लिया कि ये किसका स्क्वायर है। अब एक्चुअल हमारा क्वेश्चन स्क्वायर रूट फाइंड करने का है, तो अब क्या करना है कि हम अपने क्वेश्चन को लिखेंगे स्क्वायर रूट साइन के अंदर। हमें पता है दिस इज द स्क्वायर रूट साइन 36x² - 60xy + 25y² = जो हमारा ऊपर सॉल्व करने पर आया है इसको भी हम स्क्वायर रूट साइन के अंदर लिखेंगे 6x - 5y² ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमें मिलेगा 6x - 5y ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या करा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस तरह से हम इसका फाइंड करेंगे। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन में दिया गया है 9x² + 1/x² + 6। अब इसमें भी हमें पहले देखना है कि हमारी कौन कौन सी टर्म्स स्क्वायर फॉर्म में हैं। तो हम देख रहे हैं 9x² 3x का स्क्वायर होता है, और 1/x एक्चुअली 1/x² 1/x का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी हमें ये दोनों टर्म्स स्क्वायर फॉर्म में दी गई हैं, ये दोनों स्क्वायर फॉर्म में हैं, और ये 6 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, यानी इसको हम क्या लेंगे एज अ मिडिल टर्म। हमें मालूम है हमारा जो फार्मूला होता है 3 टर्म्स फार्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b² = a + b² ठीक है ना। तो अब इसके अंदर हमारी फर्स्ट और लास्ट टर्म स्क्वायर फॉर्म में होती है, लिहाजा हम पहले यहाँ पर इस अपने क्वेश्चन को अरेंज कर लेंगे। तो लिखेंगे हम 9x² + 6 ठीक, क्योंकि किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम कहेंगे हमारी क्या बन रही है, मिडिल टर्म, प्लस
वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद हम इसको लिखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, किस तरह से कि ये किसका स्क्वायर है, 3x लिख देंगे हम, 3x होल स्क्वायर प्लस साइन फॉर्मूले का 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म जो कि हम देख रहे हैं, हमने फर्स्ट ब्रैकेट में लिखी हुई है, बताई हुई है 3x है मल्टीप्लाई। अब इसको हम ब्लैंक छोड़ते हैं, पहले हम बताएंगे कि हमारा b क्या बन रहा है जो कि हम देख रहे हैं 1 अपॉन x होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यानी यहाँ पर क्या आना है, एक्चुअली 1 अपॉन x आना है। तो क्या जब हम यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन x को, तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर x और ये वाला x, ठीक है, इनके दरमियान मल्टीप्लाई की, अब मल्टीप्लाई की साइन है तो इनको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं कि एक्स वन ज़ा एक्स, एक्स वन ज़ा एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या मिल रहा है 2, 3 ज़ा 6, यानी कि हमने यहाँ पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की वैल्यूज सही डाली हैं। तो इस तरह से हमेशा मिडिल टर्म के जरिए हम अपने फॉर्मूले को कंफर्म करते हैं कि हमने जो वैल्यूज फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म यानी ए एंड बी डाली हैं वो सही डाली हैं। अब इसके बाद हम लिख लेंगे इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि क्या आ रहा है, 3x प्लस 1 अपॉन x होल स्क्वायर। ये तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब इसके बाद हम आ जाएंगे असल जो बात हमसे क्वेश्चन में कही जा रही है स्क्वायर रूट की, यानी हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लिहाजा हम अपने पूरे क्वेश्चन को स्क्वायर रूट साइन के अंदर रख देंगे। 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू, जो हमने ऊपर फैक्टराइज करके मालूम करा है इसको भी हम स्क्वायर रूट साइन के अंदर बता देंगे कि 3x प्लस 1 अपॉन x होल स्क्वायर, जिसे हमने फर्स्ट पार्ट में करा बिल्कुल इसी तरह से ही। अब ये स्क्वायर साइन स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगी, तो उस सूरत में फिर हमें क्या मिलेगा, 3x प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करा, यहाँ पर इसको भी फैक्टराइज करके आंसर मालूम कर लिया। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन है, हमें दिया गया है फ्रैक्शन के फॉर्म में है। स्टूडेंट्स को अमूमन जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में आता है तो बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो अब इस क्वेश्चन के बाद आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात हो जाएगी कि ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह से हम फैक्टराइज करते हैं। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन होता है ऐसे क्वेश्चंस का। अब यहाँ पर फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले तो हमने क्या देखना है, कॉमन देखते हैं, पता ही है फैक्टराइज का फर्स्ट मेथड कॉमन होता है। तो अब यहाँ लिखा हुआ है 4, 12 एंड 9 कोफिशियंट्स को अगर हम देखते हैं, हमारे कोफिशियंट्स किसी टेबल में एक साथ नहीं आते, यानी हम कोफिशियंट को कॉमन नहीं लेंगे, हम वेरिएबल को देखते हैं। वेरिएबल्स हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x और y तीनों टर्म्स में मौजूद है, तो अब यहाँ से हम कौन सा x y कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टर्म में पावर 4 है, सेकेंड टर्म में पावर 3 है और लास्ट टर्म में पावर 2 है। तो अब यहाँ पर कौन सा लिया जाएगा, हमेशा याद रखनी है बात कि कॉमन जब भी लेते हैं तो हम स्मॉलेस्ट पावर वेरिएबल की कॉमन लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एज अ कॉमन लेंगे, क्योंकि हमारी स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पर एक्स वाई की स्क्वायर है। अब कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिला, क्या बचेगा, तो हम लिखेंगे इन पावर्स को इसमें से माइनस करके ब्रैकेट के अंदर बताएंगे, 4 तो एज इट इज आ जाएगा, पावर माइनस होकर हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद माइनस साइन 12 कोफिशियंट रिमेन एज इट इज, ये हमने कोई कोफिशियंट कॉमन नहीं निकला है यहाँ पर। अब वेरिएबल की हमें पावर माइनस कर देनी है, पावर माइनस करने पर हमें मिलेगा एक्स वाई अपॉन जेड स्क्वायर, अब जेड स्क्वायर तो रिमेन एज इट इज क्योंकि हमारा कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, प्लस साइन इसी तरह से इनको भी हम सॉल्व कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया है, सिर्फ यहाँ पर क्या मिलेगा 9 अपॉन जेड रेस टू 4। ठीक है, अच्छा अब ये हमने कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद हम ब्रैकेट में देख रहे हैं 3 टर्म्स हैं, मिडिल टर्म की साइन माइनस है, तो अब फौरन से हमें समझ जाना है कि इधर फॉर्मूला अप्लाई होगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसमें मिडिल टर्म की साइन माइनस आए, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर।
तो अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो किस तरह से बताएंगे, जो हमारा कॉमन फैक्टर का है वो तो एज इट इज ही रहेगा। लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म हमारी यहाँ पर 4x² y² लिखी हुई है, तो हमें पता है ये 2xy का होल स्क्वायर होता है माइनस फॉर्मूले का 2 मल्टीप्लाई जो कुछ हमने फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा है, दैट इज द फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई। इसको हम ब्लैंक छोड़ते हैं, इसे हम पीछे क्वेश्चंस में करते आए हैं। 9 अपॉन z² को हम देख लेंगे, 9 अपॉन z = 4 को देखेंगे, तो ये हमारा है 3 अपॉन z² होल स्क्वायर, यानी कि बी एक्चुअली 3 अपॉन z² है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बता देंगे, लिख देंगे हम इसको बी की यानी के सेकेंड टर्म की जगह पर। ओके अच्छा, अब क्या हो जाएगा जब हम हम चेक कर लेते हैं कि हमारे मिडिल टर्म आ रही है, इसके लिए हमको मल्टीप्लाई कर देंगे इन तीनों ब्रैकेट्स को, दरमियान साइन मल्टीप्लाई की ही है, तो 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 12 लिखा हुआ है। वेरिएबल्स एक्स वाई अपॉन जेड स्क्वायर, पूरा हमारी यही टर्म आ रही है, इट मीन्स वी आर डूइंग राइट। आगे बढ़ते हैं, अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको फिर हम बताएंगे इस तरह से कि इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म 2xy माइनस साइन बी हमारा 3 अपॉन z² है होल स्क्वायर। ठीक है अच्छा, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है। अब फैक्टराइज होने के बाद अब हम असल पर आते हैं जो कि हमारा है स्क्वायर रूट। तो लिहाजा स्क्वायर रूट साइन के अंदर हमने अपने क्वेश्चन को लिखना है पहले, तो लिखेंगे हम यहाँ पर जो पूरा हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है उसको लिख दिया जाएगा, 4x^4 y^4 माइनस 12x³ y³ अपॉन z² प्लस 9x² y² अपॉन z^4। जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसको पूरा लिखते हैं क्योंकि हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो फैक्टराइज करने पर हमारे पास फिर क्या आया, x² y² और मल्टीप्लाई x² y² मल्टीप्लाई 2xy माइनस 3 अपॉन z² होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा अब इसके बाद क्या हो जाएगा, जहाँ पर स्क्वायर रूट साइन के अंदर जितनी भी स्क्वायर साइन है, स्क्वायर पावर है, जितनी भी स्क्वायर पावर है वो सब इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगी और हमें फिर फाइनली क्या मिलेगा, लिखेंगे हम अब के एक्स वाई, ठीक है ना, ये स्क्वायर 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 टू कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, यानी तमाम यहाँ पर जितनी भी स्क्वायर पावर्स हैं वो सब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगी और हमें मिलेगा एक्स वाई मल्टीप्लाई 2xy माइनस 3 अपॉन z². ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका भी स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन फाइंड कर लिया है। फोर्थ पार्ट 36 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2x होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर नई बात हम क्या देख रहे हैं, ब्रैकेट में दिया हुआ है हमें 3 माइनस 2x होल स्क्वायर और द सेकेंड टर्म में भी लिखा हुआ है 3 माइनस 2x मल्टीप्लाई वाई प्लस 16y². अब यहाँ पर बुक के अंदर ये मिसप्रिंटिंग हुई हुई है, मिडिल टर्म का हमारा जो कोफिशियंट है उन्होंने बुक के अंदर 40 दिया हुआ है जो कि रॉन्ग है, एक्चुअल हमारा जो सही हमारा यह है वो 48 है। तो यहाँ पर हम इसको 48 से हम सॉल्व करेंगे, तो किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पर 3 माइनस 2x ब्रैकेट दोनों टर्म्स में मौजूद है। इजी वे ये है कि हम क्या करें कि इसको हम सपोज कर लें तो हम इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सपोज जो भी ब्रैकेट दिया गया है हमने कह दिया इसको 3 माइनस 2x को कि एक्चुअल हमारा ये क्या है, दैट इज द हमने ऐसा वेरिएबल लेना है इसको सपोज करने के लिए जो हमारे क्वेश्चन में मौजूद ना हो, बस इस बात का ख्याल रखना है वरना और कोई ऐसे चेंज नहीं है। हम कह देते हैं इसको दिस इज द टी, हमने टी कह दिया। अब लिख देंगे हम जहाँ पर भी ये ब्रैकेट आ रहा है, तो हो जाएगा 36
टी स्क्वायर माइनस 48TY प्लस 16Y स्क्वायर। अब ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मुश्किल लगे। अब क्या करना है, हमने क्या देख रहे हैं, थ्री टर्म्स, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों को हम देखेंगे किसके स्क्वायर है। हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूले का रेफरेंस दे देती हूँ कि ए स्क्वायर मिडिल टर्म की साइन माइनस है, इसलिए माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो फिर हमने बताना है कि 36T स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 60, 60 होल स्क्वायर माइनस साइन फॉर्मूले का 2 मल्टीप्लाई हमारी फर्स्ट टर्म 60 मल्टीप्लाई, इसको हमने ब्लैंक छोड़ा, प्लस क्या आ गया 4y होल स्क्वायर। हमें मालूम है 16y स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ 4y, लिहाजा हम यहाँ पर यानी b की जगह पर लिखेंगे 4y। तो हमें पता चला कि हमारी फर्स्ट टर्म यानी a 60 माइनस b यानी सेकेंड टर्म 4y होल स्क्वायर, इसको हमने इस तरह से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख दिया। तो अब ये हमारा फैक्टराइज हो गया, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, t तो हमारे क्वेश्चन में मौजूद नहीं है, तब जो कुछ हमने सपोज करा है अब हम रख देंगे t की जगह पर। तो हमसे लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2x, क्योंकि एक्चुअल हमारा t जो है वो 3 माइनस 2x है, इसलिए हमने t की जगह पर रख दिया 3 माइनस 2x माइनस 4y, ठीक है, होल स्क्वायर है, इस पर हम लगा देंगे होल स्क्वायर की साइन। अब इसके बाद यहाँ पर 6 को अंदर पूरे ब्रैकेट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6 3 18 माइनस 6 2 12 12x, सही है ना, 6 2 12x और ये माइनस 4y होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन आ सकती है कि हमने यहाँ से कॉमन नहीं निकाला, कोई बात नहीं, शुरू में भी निकाल सकते थे, वहाँ पर नहीं निकाला तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से भी कॉमन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं लिखा हुआ है 18, 12 और 4, तो देखना है कि ये तमाम नंबर्स किस टेबल में एक साथ आते हैं। हमें मालूम है ये तमाम नंबर्स किस टेबल में एक साथ आते हैं, अगर हम देखें तो ये सिर्फ 2 के टेबल में एक साथ आते हैं, ठीक है ना। तो लिहाजा हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 को हम अगर कॉमन लेते हैं यहाँ पर तो फिर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर हमारे पास 6 3 18 18 आ रहा है, तो लिखेंगे हम कॉमन का 2, सही, कॉमन का हमने 2 2 9 18 माइनस 2 6 12, हर एक को डिवाइड करते जाएं 2 से, माइनस 2y, ठीक है। अच्छा, अब होल स्क्वायर है, इस पर पूरे पर होल स्क्वायर लगेगा, अब पूरे पर होल स्क्वायर लग गया, हमें यहाँ पर आखिर में भी हम स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, इसके बाद हमारा पूरा फैक्टराइज हो गया, अब असल हमारा स्क्वायर रूट क्वेश्चन है, इसकी तरफ आ जाते हैं, पूरे अपने क्वेश्चन को हम लिख देंगे जो हमारा रियल क्वेश्चन है कि 36 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2x होल स्क्वायर माइनस 48 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2x मल्टीप्लाई y प्लस 16y स्क्वायर। टू मल्टीप्लाई 9 माइनस 6x माइनस 2y, ठीक है, पूरा हमारा ये होल स्क्वायर के अंदर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमें बात अब पता चल गई है अच्छी तरह से। फाइनली हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 9 माइनस 6x माइनस 2y, ठीक है। अब इसको हम क्या कह देंगे, दिस इज द आंसर, ये हमने फैक्टराइज करके इस तरह से इसको इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया है।
फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट में हमें फिर ब्रैकेट में ही दिया गया है, तो अब यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाकर हमें एक तरह से बता दिया गया है कि ये फर्स्ट टर्म के तौर पे वर्क करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर माइनस फोर मल्टीप्लाई ये हमारा मिडिल टर्म के तौर पे वर्क करेगा, अब ये प्लस टू। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात आती है कि कोई यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं लगा हुआ, ना ही हमें ये लास्ट टर्म जो टू है किसी का स्क्वायर होता है, तो यानी स्क्वायर फॉर्म में नहीं है। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया जाए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डोंट वरी। अब हमने क्या करना है, क्योंकि इस पर हम देख रहे हैं कोई स्क्वायर नहीं है, और क्या चेंज देख रहे हैं, यहाँ पर प्लस साइन है, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या साइन है, माइनस साइन है, टू टर्म्स के दरमियान ब्रैकेट के अंदर। अब इस क्वेश्चन हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम इनको सपोज कर लें ब्रैकेट्स को, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे ब्रैकेट टोटली एक दूसरे से डिफरेंट हैं। जब सेम ब्रैकेट्स होते हैं तब तो हम सपोज कर सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट ब्रैकेट्स हों तो उनको हम सपोज नहीं कर सकते, क्योंकि सपोज करने पर भी हमारा कुछ ऐसा नहीं आएगा जो कि सॉल्वेबल हो। तो क्या करना होगा हमें, अब इस ब्रैकेट को हम देखते हैं, उसके अंदर क्या है, हमें टू टर्म्स दी गई हैं, दोनों ही स्क्वायर फॉर्म में हैं, दोनों स्क्वायर फॉर्म में हैं। एक्चुअली यहाँ पर इस क्वेश्चन में मिडिल टर्म हमें नहीं दी गई, मिडिल टर्म हमें नहीं बताई गई है, तो हमने क्या करना है, वो मिडिल टर्म लिख कर एक्चुअल बता देना है कि ये किसका स्क्वायर है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, किस तरह से बताएंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, एक्स का लिख देंगे हम, एक्स होल स्क्वायर। अब माइनस साइन क्यों लगाए यहाँ पर, क्योंकि हम देख रहे हैं इस ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है, हमें यहाँ पर भी क्या चाहिए, होल स्क्वायर चाहिए जिसके अंदर टू टर्म्स के दरमियान माइनस साइन हो, ठीक है ना। जब ये हमारा इस तरह से हो जाएगा तो फिर हम फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। हमें पता क्या चलता है, दोबारा बात रिपीट कर रही हूँ, माइनस साइन यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर है, इसे माइनस साइन लगाएंगे, फॉर्मूले का टू मल्टीप्लाई जो हमने फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा वो एक्स बता दिया, अपॉन हमें पता है वन अपॉन एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, वन अपॉन एक्स का प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ तक कि जो मैंने ये सारा काम करा है एक्चुअली किस पर, किसको बताने के लिए, किसको सॉल्व करने के लिए, इस फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए करा है। माइनस साइन, अब ये जो सेकंड है ब्रैकेट ये एज इट इज रहेगा, इस पर हम कुछ काम नहीं करेंगे, अभी इसको हमने ऐसे ही लिखना है, प्लस टू बी रिमेन एज इट इज। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, ये तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब ये तो हमने एक्स से एक्स कैंसिल कर दिया, क्या आ रहा है यहाँ पर, माइनस टू, माइनस टू आ रहा है जो कि इसमें फर्स्ट ब्रैकेट में नहीं है, इस पर फर्स्ट ब्रैकेट में नहीं है, हम इसको अपने पास से लेकर आए हैं। मैंने बताई थी ना बात कि मिडिल टर्म हमारी यहाँ पर एक्चुअली मिसिंग है, तो हमने यहाँ पर मिडिल टर्म खुद लेकर आए हैं, ये सब कुछ लिख कर, ये एक्स एक्स तो कैंसिल कर दिया, यानी हमने अपनी तरफ से इस ब्रैकेट के अंदर माइनस टू का अपनी तरफ से इजाफा कर दिया है। तो मैथ्स का रूल है कि इक्वालिटी उस वक्त कायम रहती है जबकि हमने जिस चीज़ को अपनी तरफ से डाला हो, ठीक है, तो उसी को ही हम फिर ऑपोजिट साइन के साथ ख़त्म भी कर दें। यहाँ पर हमने क्योंकि माइनस टू लिखा है, लिहाजा मैं यहाँ लिख दूंगी अब प्लस टू, ठीक है। इसकी वजह से, इस माइनस टू की वजह से यहाँ पर क्या आया, प्लस टू आया। माइनस टू क्यों आया, इधर मिडिल टर्म हमारी मिसिंग है, हमने मिडिल टर्म लिखी, तो इस वजह से यहाँ पर ये काम करा गया है। अब क्या हो जाएगा, अब इस पूरे फर्स्ट ब्रैकेट पर तो हम अपना फार्मूला लगा सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तब ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला एक्स माइनस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर और माइनस फोर मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस टू, प्लस टू क्या मिला, फोर। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह से हमारे पास फर्स्ट जो ब्रैकेट लिखा हुआ है उसका भी हमारा स्क्वायर आ गया, और लास्ट टर्म फोर ये भी क्या हुई, स्क्वायर फॉर्म में मिल गई, ठीक है। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसी फॉर्मूले के जरिए, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम इसको बताएंगे अब, x माइनस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर, ठीक है ना, लिखा हुआ ही है फॉर्मूले का टू मल्टीप्लाई। अब इसको हम बता रहे हैं, मिडिल टर्म से कंफर्म कर रहे हैं कि जो हमने फर्स्ट ब्रैकेट लिखा हुआ है उसको हमने लिख दिया,
मल्टीप्लाई, 4 में पता है 2 का स्क्वायर होता है प्लस 2 होल स्क्वायर। समझ गए हैं बात, बहुत सिंपल सी है। अब पूरा हम देख रहे हैं 2 2 4 मल्टीप्लाई करने पर यही आ रहा है, यानी हम बिल्कुल फर्स्ट और यानी ए और बी लास्ट टर्म सही लेकर चल रहे हैं। तब इसको लिख देंगे हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x, क्योंकि ये हमारा a है, माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, लिख देंगे हम इसको अब इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर। हमने बता दिया हमारा फैक्टराइज होकर, अब अपने पूरे क्वेश्चन को हमने लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई, पूरा एग्जैक्टली पूरा क्वेश्चन हमारा आ जाएगा स्क्वायर रूट के साइन के अंदर। और जो हमने फैक्टराइज करके बता दिया है उसको भी हम लिख देंगे स्क्वायर रूट साइन में, तो अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। जब ये इसको कैंसिल करेगा तो हमें फाइनली मिलेगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, which is the answer of this question. I hope you will understand. अच्छा, अब ये एक्सरसाइज हमारी क्वेश्चन नंबर 1 की मैम आपको बता दी फैक्टराइजेशन मेथड से, I hope you will understand it. कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।